हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी वाले, एमएससी वाले और जो भी जितने भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उन सभी के लिए एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप लोगों को पहले भी पता चल चुकी होगी, मुझे पता है, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है, इसकी यूपी कैडेट के बारे में मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की आ गई है। तो इसके बारे में हम जानकारी देने के लिए आपको वीडियो बनाया हुआ है। अगर जिस किसी को अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए, और जो लोग यूपी कैडेट का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन लोगों ने तो भर ही दिया है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यूपी कैडेट 2024 के बारे में। क्या इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसकी एडमिट कार्ड की डेट आएगी, कौन सी इसकी लास्ट डेट है, कब क्या कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ या फिर जो आपके जूनियर हों, सीनियर हों, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए, जिससे कि उनका फॉर्म ना रुक पाए और यूपी कैडेट का फॉर्म उनका भर जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है। कहाँ से की हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इस बार यूपी कैडेट की जो परीक्षा करवानी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो करवा रही है मेरठ की, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, इसकी जिम्मेदारी इस बार मेरठ यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो ये इसकी हम जानकारी आप लोगों को देते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्राउचर अगर आप लोगों को चाहिए, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की, हम इसमें दिखाते हैं आप लोगों को आगे की जो जानकारी है, मैं आप लोगों को इसी के साथ ही देता चलूँगा। तो इसमें विषय सूची दी गई है और इसमें सारा कुछ बताया गया है। आप लोग इसमें टाइम निकालकर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके या फिर SVPUAT की यूपी कैडेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2024 की, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कार्य एवं यहाँ पर दिया गया है, कार्य विवरण एवं महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं बात करता हूँ। तो पहला दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 मार्च से प्रारंभ हुई थी और 7 मई तक इसकी जो है वो लास्ट डेट है। और इस वीडियो को आप लोग 7 मई से पहले, अगर जब भी आप लोग देख रहे हो, अगर 7 मई से पहले अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यूपी कैडेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और आप लोगों की जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मई तक है। इसका मतलब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई है और फीस जो ऑनलाइन आप लोगों की जमा होती है वो 8 मई तक आप लोग कर सकते हैं, रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र जो संशोधन करने की जो तिथि है, संशोधन करने की जो तिथि है वो आप लोगों की है कब से है, 9 से 14 मई तक है 2024 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पर, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि दी गई है इसमें वो 27 मई 2024 से दी गई है। और प्रवेश परीक्षा जो तिथि होगी 11 व 12 जून 2024 को होगी। 11 व 12 जून क्यों दी गई है, क्योंकि इसमें दिया गया है जो 11 तारीख को जो परीक्षा होती है वो UG वाले की होती है, मतलब जो BSc वाले हैं, जो BSc करना चाहते हैं उनके लिए जो परीक्षा होती है वो 11 जून को होगी। और जो 12 को होगी मास्टर्स और PhD वालों की, मतलब MSc और PhD वालों की 12 जून को होगी परीक्षा। ठीक है, अगला है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो तिथि है वो कब से है, तो 22 जून 2024 से है इसकी जो परीक्षा परिणाम जो घोषित होना है। ये सभी संभावित तिथियां रहती हैं, एक दो दिन इधर उधर भी हो सकता है, अगर होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो वैसे तो अभी तक डेट जो है वो 17 मार्च से 7 मई तक ही है, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थीं, अगर आप लोगों ने अभी तक, या फिर जो आप लोगों के जूनियर हों, जिन लोगों ने 12th कर लिया हो, जो एग्रीकल्चर में आगे जो पढ़ना चाहते हों, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना चाहते हों या PhD करना चाहते हों, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये 7 मई तक। तो आप लोग अपना फॉर्म भरवा दीजिए, या फिर आप लोग जिनको जानकारी नहीं उनको भी जानकारी दे दीजिए, इससे आप लोगों को एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित जो यूनिवर्सिटी हैं वो 4-5 यूनिवर्सिटी इस बार से ऐड हो गई हैं इसमें, तो 5ों यूनिवर्सिटी का ये कम्बाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, तो उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ और जानकारी दी गई हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप लोग इसमें आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पूरी वाउचर को आराम से पढ़ सकते हैं। स्नातक की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग देखिए यहाँ से लिखी है, 27 जून से प्रथम काउंसलिंग होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग, 27 जून से प्रथम काउंसलिंग होगी। इसके बाद
27 जून से 3 जुलाई तक होगी, फिर 25 से 27 जुलाई होगी, 14 से 16 अगस्त तक होगी। ये सारी जो दी गई है, ये सारी डेटें आप लोगों को दी गई, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मास्टर्स और पीएचडी की जो काउंसलिंग की होगी वो कब से शुरू होगी, वो 15 से 17 जुलाई तक होगी, ठीक है। तो इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय जो होगी ये आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो आती है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियाँ, ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है उसकी भी ये यहाँ पर दी गई है। सारी जानकारी आप लोगों को इस वाउचर में दे दी गई है। वैसे तो अगर आप लोगों को कुछ रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, वहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए उत्तर दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दिया गया है, आप लोगों को सब देख सकते हैं। ये पूरी वाउचर है, बहुत बड़ी है, फिलहाल तो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों का वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं और इस यहाँ पर दिया गया, यूपी ग्रेटर 2024 की परीक्षा हेतु अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी जो सूचना विवरणिका है वो upgreatr.org, इस पर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। और नंबर 3 पर दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो आप लोगों को इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, यहाँ से मिल जाएगी। नंबर 4 पर ऑनलाइन आवेदन करने की सूचना विवरणिका, जो इन्फॉर्मेशन वाउचर जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप लोगों को upgreatr.org पर उपलब्ध रहेगी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 5 नंबर पर दिया गया ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार नंबर की आवश्यकता होती है। नंबर 6 पर बताया गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ही उपयोग करें, क्योंकि जो उस पर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुँच सके, नहीं तो आप पता नहीं किसी और का भरवा देंगे तो उस पर आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। इसलिए अपनी अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ज़रूर अच्छे से उसी में भरवाएँ, ठीक है। और जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र है वो upgreatr.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र तक पास सुरक्षित रखें, जब तक आप लोगों का प्रवेश हो नहीं जाता एडमिशन तब तक आप लोग प्रवेश पत्र को अपने पास ही सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। और काउंसलिंग की जानकारी भी समय समय पर आप लोगों को दी जाती रहेगी, किस पर, upgreatr.org, इस वेबसाइट का लगातार आप लोग अवलोकन करते रहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसकी जानकारी आप लोग ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना जो है वो पूरा हो सके, किसी का भी कोई भी बच्चा छूट ना पाए। और लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर दिए गए स्कॉलरशिप वाली जो यहाँ पर दी गई है, ये शर्तें दी गई हैं, स्कॉलरशिप किसको किसको किस प्रकार दी जाएगी, इसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है। ये यहाँ पर अर्हताएँ दी गई हैं, अर्हताएँ मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है कि यूपी गेटेड में मूल निवासी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है यहाँ पर दी गई हैं, उन सबको हम देखते हैं। जो ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर हो जाएगा यहाँ पर, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर रहती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, बैचलर डिग्री फिशरीज़ रहती है, ये सारे कोर्स इसमें दिए गए हैं बीएससी वालों के, यूजी के लिए हैं। इसके बाद मास्टर्स जो हैं, मास्टर्स में ये सारे प्रोग्राम दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं एक नज़र में। इसके बाद आगे चलते हैं तो पीएचडी के लिए, अगर आप लोग मास्टर्स के लिए भरते हैं तो मास्टर्स के लिए आप लोगों को ये देखिए टेस्ट पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोगों के एमएफआर, एमएजी इस प्रकार से आप लोगों को भरने होंगे। इसके बाद ये देखिए एग्री इंजीनियरिंग का दिया गया है, ये सारे मास्टर्स के प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर दिए गए, पीएचडी के प्रोग्राम ये देखिए, इनमें आप लोग अगर करना चाहते हैं तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं, और इसका जो पेपर कोड रहेगा PDA करके रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं इसमें पीएचडी के लिए, अलग अलग जो पेपर कोड दिए गए इनको आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आयु सीमा के बारे में बात की गई है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर इसमें दी गई है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन वाउचर किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आप किसी का एग्जाम देने चाहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन वाउचर जरूर एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी के बारे में तथा उसके एग्जाम के बारे में सारी जानकारी हो जाती है। तो ये देखिए आप लोगों तो इसे पढ़ लीजिए, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा इसको मैं एक बार आप लोगों के सामने बताए दे रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन की जो पद्धति है वो किस प्रकार से रहेगी, ये आप लोग देख लीजिए। आवेदन पत्र भरने सूचना विवरणिका को बड़ी प्रकार की पढ़ लीजिए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ये अपने पास रखिए जाए। इसमें जो फ़ोटो का रहता है, फ़ोटो देखिए आप लोगों को जो खिंचवानी है वो किस प्रकार से खिंचवानी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फ़ोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखवाना है, नाम के नीचे लिखना नहीं है डेट ऑफ फ़ोटो लिखनी चाहिए, मतलब जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचवाने रहे हैं उस डेट की फ़ोटो होनी चाहिए,
उस डेट का नाम लिखाना नहीं है, और ये अप्रैल से पहले की ही, अप्रैल से पहले की नहीं होनी चाहिए, अप्रैल के बाद की या अप्रैल माह तक की ही चलती है। इसमें यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए फोटो दिनांक 29 फरवरी, हाँ 29 फरवरी 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, तथा फोटो अभ्यर्थी का नाम, आधार एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए। और नीचे सबसे नीचे क्या लिखवाया जाता है, इसमें आधार नंबर अपना लिखवा लीजिए। पहले क्या होता था, एक स्लेट पकड़ा दी जाती, तो उस स्लेट पर भी पूरा आप लोगों का नाम पता और ये सारी आधार नंबर वगैरह चीज़ें लिख दी जाती, तो उसी को फोटो आप लोग खिंचवा सकते हैं, और वही फोटो आप लोग अपनी ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें कम से कम आप लोगों को कई लगभग 15 फोटो आप लोगों को खिंचवानी होती हैं, और वो फ़ोटो आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ में रखनी होती हैं, क्योंकि वो ही आप लोगों के वहाँ पर लगती हैं, एग्जाम के टाइम भी वही लगती हैं, और आप लोग काउंसलिंग अगर कराएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को यही फ़ोटो आप लोगों को देनी होगी, ठीक है। इसके बाद फॉर्म भरने की, देखिए यहाँ पर क्रमबद्ध पूरी जानकारी दी गई है। स्टेप वन में क्या है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर करिए। सेकेंड में दिया गया, स्टेप टू में न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेप थ्री में दिया गया है, लॉग इन कर सकते हैं और फिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट होगा। नंबर चार पर स्टेप में क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नंबर पाँच में क्या होगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोगों का फाइनल सबमिट फॉर्म हो जाता है उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और उस प्रिंट को भी आप लोगों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि उसकी भी आगे चल के आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है, और अगर आप लोगों को और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग हमारे सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए चैनल पर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें, जिससे उनको इसकी जानकारी हो सके। और ये सारे यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र दिए गए, इनमें से आप लोग कोई भी परीक्षा केंद्र जो 11 दिए गए चुन सकते हैं। इसमें लिखा होगा जो स्नातक के लिए हैं वो स्नातक वाले चुन सकते हैं, और जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं वो मास्टर और पीएचडी वाले चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो हमारे आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और इस ब्राउचर को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपको ऐसे ही मतलब अन्य यूनिवर्सिटी की या फिर जो भी यूनिवर्सिटी की मुझे जानकारी होती रहेगी मैं वो आप लोगों को जरूर देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।